हेलो फ्रेंड्स, मितुस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए घर पर ही घर की चीज़ों से बनने वाली ये टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ 3 से 4 चीज़ें जो कि हमारे घर में रहती हैं हमेशा, उन्हीं से हम ये आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए ना ही हमें कोई व्हिपिंग क्रीम चाहिए, ना ही कोई फ्रेश क्रीम चाहिए, या फिर मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ 2 से 3 चीजें लेकर हम इस आइसक्रीम को घर में बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट ये आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है। अगर ये आइसक्रीम बनाने के लिए आप फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया क्रीमी आइसक्रीम रेडी होगी। चलिए इसे हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं। अगर आप यहाँ पे बॉयल्ड मिल्क लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कच्चा दूध लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले दूध को बॉईल करना है। अब दूध हमारा बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ मैंने ये एक बाउल के अंदर 2 चम्मच आटा ले लिया है दोस्तों। तो आज हम ये आइसक्रीम जो है ये आटे से बनाने वाले हैं। अब जो हमने ये 2 चम्मच आटा लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। घर की जो चम्मच है, इसी चम्मच से मैंने ये 2 चम्मच आटा ले लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लगभग 4 से 5 चम्मच दूध मैंने इसमें डालकर एक स्लरी बनाकर रेडी कर ली है। अब चलिए हम अपने दूध को चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा दूध है, इसे मैंने पहले से ही उबाल के रखा हुआ था और इसकी मलाई निकाली हुई थी, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर रही हूँ। अगर आप कच्चा दूध लेते हैं तो बिना मलाई के भी आप उसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने भी मलाई निकाल ली है दूध में से तो थोड़ी सी मलाई डाल लें। इससे जो हमारी आइसक्रीम है इसकी क्रीमीनेस बढ़ जाती है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है आप डालें या नहीं डालें। तो यहाँ मैं ये 4 बड़े चम्मच मलाई डाल देती हूँ। मलाई डाल के दूध के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 5 से 6 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी की जो मात्रा है वो आम की मिठास पे डिपेंड करती है। अगर आपका आम बहुत ज़्यादा मीठा हो तो चीनी की मात्रा कम कर लें, अगर आम कम मीठा है, ज़्यादा खट्टा है, तो आप चीनी की मात्रा को और बढ़ा लें। चीनी डालकर दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तैयार किए हुए आटे के घोल को भी हम दूध में डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। दूध में डालकर इसे हम अब अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गैस का जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है और लगातार दूध को चलाते रहना है। अगर आपने दूध नहीं चलाया तो दूध तले में चिपक जाएगा और एकदम लम्स जैसे बनने लगेंगे, जो कि हमें आइसक्रीम के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो दूध को बिल्कुल आराम से लगातार चलाते रहें। लगभग 5 से 7 मिनट मैंने दूध को चलाया और आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। गैस के फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, नहीं तो आटे का जो कच्चापन है वो आपकी आइसक्रीम में कहीं ना कहीं रह जाएगा और आइसक्रीम का जो स्वाद हमें चाहिए वो स्वाद नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब हम इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं। अब मैंने इसे 5 से 7 मिनट और पका लिया। लगभग 15 से 20 मिनट में हमारा दूध पकाने का जो प्रोसीजर है वो पूरा हो जाता है और लो टू मीडियम फ्लेम पे बहुत ही बढ़िया क्रीमी क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा मिक्स तैयार हो गया है। तो ये जो दूध का मिक्स है ये गाढ़ा हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा होता है, तो इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमें। अब गैस को बंद कर देते हैं और जो हमारा दूध का मिक्स है इसे ठंडा करेंगे। अब ये देखिए, दूध का मिक्स बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा है ना, बिल्कुल कंडेंस मिल्क जैसी कंसिस्टेंसी। इतना गाढ़ा मिक्स हमने सिर्फ आधा लीटर दूध से बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम मैंगो आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम मैंने मैंगो का पल्प निकाल के रखा है। लगभग 250 ग्राम आम का मैंने गुदा निकाल लिया है। तो लगभग एक बड़े साइज का आम लेके उसे छील कर धोकर आप उसका गुदा निकाल लें। अब एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और इसमें जो आम का गुदा है इसे डाल देंगे।
आम का कलर जितना अच्छा होगा उतनी ही बढ़िया आपकी मैंगो आइसक्रीम का कलर आएगा। अगर आम का कलर थोड़ा लाइट हो तो आप इसकी जगह फूड कलर इस्तेमाल करके भी अपनी आइसक्रीम को बहुत ही बढ़िया कलर दे सकते हैं। आम को हम अच्छे से एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो आम मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब जो हमने मिक्स तैयार किया है वो मिक्स भी हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे ग्राइंड करेंगे। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया है और आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा मिक्स हमारा रेडी हो गया है। बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क के आप घर की चीज़ों से इतना बढ़िया मिक्स रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिक्स बिल्कुल तैयार है। चलिए फटाफट हम इसे कंटेनर में जमा लेते हैं। यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया है। कोई भी घर में इस तरीके का ढक्कन वाला बॉक्स लेकर आप उसमें आइसक्रीम को जमने के लिए रख सकते हैं। तो ये जितना भी मैंगो का मिक्स है इसे हम इसमें डाल लेते हैं। अब बॉक्स में मैंने इसे अच्छे से डाल दिया है, एक बार टैप कर लेंगे। तो सारा मिक्स मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम बॉक्स का ढक्कन बंद करके इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 घंटे हो गए हैं और आइसक्रीम हमारी आधी जमकर तैयार हो गई है। तो हमें इसे पूरा नहीं जमाना है, सिर्फ आधा ही हम इसे जमा कर तैयार करेंगे। ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसे काट लेती हूँ पीसेज में। इस तरीके से मैंने इसे पीसेज में कट कर लिया है। अब एक स्पून की हेल्प से हम फिर से इसे मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा जमी हुई आइसक्रीम हमें इसमें नहीं डालनी है, नहीं तो मिक्सी के ब्लेड खराब हो जाएंगे। सिर्फ हल्की सी जमी हुई आइसक्रीम को ही हमें इसमें डाल लेना है। सारी आइसक्रीम को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। चलिए फटाफट इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा करने से जो हमारी आइसक्रीम का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही बढ़िया आएंगे। तो आइसक्रीम को मैंने एक बार फिर से ग्राइंड कर लिया है फ्रेंड्स। अब ये आप देख सकते हैं, ग्राइंड करते टाइम मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसा, यानी हमें इसे आधा मिनट ही अगर हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीसते हैं तो बहुत हो जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, यानी बहुत ज़्यादा पतला लिक्विडी फॉर्म में नहीं लाना है हमें। तो इसी तरीके से इसे हल्का हल्का गाढ़ा रहने देना है। बहुत ही बढ़िया क्रीमी आइसक्रीम बनाने का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। अब ये जो हमारा मिक्स है, मैंगो का मिक्स है, बिल्कुल तैयार है। इसे आप कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। इसी मिक्स को आप कुल्फ़ी मोल्ड में डालकर कुल्फ़ी बना लीजिए, लेकिन मैं इसे एक ब्रिक की फॉर्म में बना रही हूँ। तो मैं वापस इसे प्लास्टिक के बर्तन में ही डाल देती हूँ। सारे मिक्स को मैंने प्लास्टिक के बॉक्स में डाल दिया है। तो मैं यहाँ टूटी फ्रूटी यूज़ कर रही हूँ। टूटी फ्रूटी को अच्छे से आइसक्रीम के ऊपर फैला लेते हैं। इसे फिर से हम 6 से 7 घंटे के लिए या फिर जितना भी टाइम आपकी फ्रिज में इसे जमने के लिए लगे उतनी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। आइसक्रीम को मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखे रहने दिया था और आइसक्रीम हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। चलिए फटाफट से इसके ऊपर से जो प्लास्टिक सीट है इसे हटा लेते हैं। वाओ, ये देखिए मैंगो फ्लेवर की कितनी बढ़िया टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे इस बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक भगोने के अंदर पानी भरकर रखा है। इस बॉक्स को हम इस पानी में डालेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे पानी में ही रहने देते हैं। तो लगभग 5 मिनट मैंने इसी तरीके से इस बॉक्स को पानी में रहने दिया और अब हमारी आइसक्रीम निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे एक प्लेट के ऊपर रख लेंगे और उल्टा करके हल्का सा टैप करते हुए इसे निकाल लेते हैं। आइसक्रीम जो है वो बहुत इजीली निकल जाती है और बहुत जल्दी भी मेल्ट हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल बाजार जैसी क्रीमी होती है। तो आइसक्रीम हमारी निकल गई है। वाओ, ये देख सकते हैं आप कितनी क्रीमी बनी है। आप इसकी टेक्स्चर को देखिए फ्रेंड्स, इतनी क्रीमी टेस्टी आइसक्रीम। इसे खाकर आप बाज़ार से कभी भी मैंगो आइसक्रीम नहीं खरीदेंगे, हर बार सिर्फ घर में ये मैंगो आइसक्रीम बनाना पसंद करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स ये रेसिपी, आपको 100% बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट मिलेगा और घर में बहुत ही कम सामानों में आप इस आइसक्रीम को बना पाएंगे। तो आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार है। चलिए फटाफट इसे मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ। वाओ, ये आप देख सकते हैं कितने बढ़िया पीसेस कट रहे हैं, है ना, बिल्कुल मार्केट वाली ब्रिक जैसी। ये देखिए सारे पीसेस मैं काट लेती हूँ इसी तरीके से।
तो आज की आइसक्रीम हमने मैंगो टूटी फ्रूटी बनाई है, तो चलिए ऊपर से थोड़ा सा और टूटी फ्रूटी डालकर इसे गार्निश कर लेते हैं। आप चाहें तो काजू बादाम से गार्निश कर लीजिएगा, पिस्ता डाल दीजिएगा, या फिर थोड़े से केसर के धागे भी ऊपर से डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको अपनी आइसक्रीम को कैसे सर्व करना है, या फिर बिना गार्निशिंग के ऐसे ही आइसक्रीम को सर्व कीजिएगा, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो गई है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से आइसक्रीम बनाकर आप ज़रूर सर्व कीजिएगा। जो भी एक बार ये आइसक्रीम खा लेगा, बार बार आपसे यही आइसक्रीम बनाने के लिए बोलेगा। ये इतनी इजी रेसिपी है और बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। तो इस लॉकडाउन के चलते हुए घर पर आप इसी तरीके से आइसक्रीम बनाकर सभी को खिलाइए।